राधे कृष्ण दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं टमाटर का झोर बनाने वाली हूँ, देसी टमाटर के खट्टे खट्टे। इसके लिए मैंने आधा किलो टमाटर को काट ली के रख लिया है, और ये मैंने तड़के के लिए ले लिया है। ये धनिया, जीरा और 8-10 काली मिर्च, साथ में 2 तेज़पत्ते मैंने ले लिया है, और इन सभी को मैं तड़के में यूज करूँगी। दोस्तों, ये मैंने कुछ मसाले ले लिए हैं, जिसके लिए ये देखिए, ये जीरा पाउडर है, धनिया पाउडर है, हल्दी पाउडर है, और ये सब्जी मसाला है, और साथ में 1/2 कप बेसन है। दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। दोस्तों, ये मैंने इधर कढ़ाई चढ़ा दिया है, और कढ़ाई गर्म हो चुका है। मैंने इसमें 4 बड़े चम्मच तेल डाल दिए हैं, देखिए, और तेल गर्म हो गया तो मैंने इसमें तड़का डाल दिया है जो मैंने लेके रखे थे, ये देखिए। और दोस्तों, जैसे ये सारे तड़के अच्छे से चटक जाएंगे, मैं इसमें थोड़ा सा टमाटर डाल दूँगी, ये देखिए। थोड़ा टमाटर को मैं भून लूँगी। दोस्तों, अगर ये रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगेगी तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कई दोस्त लोग हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, देखते हैं वीडियो को, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, यहाँ पर मैंने ढक के छोड़ दिया है 4 से 5 मिनट के लिए, और ये देखिए, टमाटर हमारे कुछ हद तक पक चुके हैं, ये देखिए। मैं इसको हल्के हाथों से हल्का हल्का मैश करूँगी, ये देखिए, इस तरह से हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे हम। दोस्तों, टमाटर का झोर सर्दियों में बहुत अच्छा लगता है, और सर्दियों में सभी के घर में बनाया जाता है। और यहाँ पे मैं सारे मसाले और बेसन को भी ऐड कर रही हूँ, क्योंकि हमें भी इन सभी चीज़ों को अच्छे से भूनना है, और तब तक भूनना जब तक थोड़ी थोड़ी खुशबू आना शुरू ना हो जाए, तब तक हम इसको अच्छे से भूनेंगे। ये देखिए दोस्तों, मसाले भून चुके, तो मैं यहाँ पे स्वाद अनुसार नमक डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालें, मैंने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाला है यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच, और इसको भी अच्छे से मिला दिया। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पानी डाला, क्योंकि मसाले थोड़े थोड़े चिपक से रहे थे, तो मैंने यहाँ पर थोड़ा पानी डाला है 2-3 चम्मच के करीब, और इन मसालों को मैं अच्छे से भून लूँगी बेसन के साथ, ये देखिए, कुछ इस तरीके से। दोस्तों, जब इसे खुशबू आना शुरू हो जाएगा तब इसका टेस्ट ही बदल जाएगा। और ये देखिए, मैं यहाँ पे बचे हुए टमाटर भी डाल रही हूँ, और इन टमाटर को भी मैं मसालों के साथ अच्छे से भून लूँगी, ताकि टमाटर भी अच्छे से गल जाए और मसाले भी साथ में भून जाए। तो हम तो इस तरह से बनाते हैं टमाटर का झोर, आप किस तरह से बनाते हैं आप हमें कमेंट करके बताइएगा। ये देखिए, कलर भी बहुत अच्छा आया है दोस्तों, और मैंने बहुत ज़्यादा मसाले भी कुछ यूज नहीं किया है, और इसको मैं ढककर छोड़ दूंगी 3 से 4 मिनट के लिए। और दोस्तों, यहाँ पे मैं मीडियम से सीम आँच रखूँगी, ये देखिए, यहाँ पे हाई फ्लेम ना करें, नहीं तो मसाले जल सकते हैं, आप मीडियम टू लो रखें, ये देखिए। और यहाँ पे मैं 1/2 छोटी चम्मच शक्कर डाला है, शक्कर से थोड़ा सा जो टमाटर का खट्टापन है हल्का सा बैलेंस करेगा, और एक हल्की सी मिठास लेके आएगा हमारे झोर में। तो ये देखिए, मैं इन शक्कर को भी अच्छे से मिक्स कर रही हूँ टमाटरों के साथ और मसालों के साथ। दोस्तों, मैं टमाटर को मैश कर रही हूँ, ये देखिए, इस तरीके से। और अब मैं इसमें पानी डालूँगी, क्योंकि ये मसाले और टमाटर अच्छे से भून चुके हैं। दोस्तों, आप पानी गर्म ही इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मैं यहाँ पर गर्म पानी यूज़ कर रही हूँ सब्ज़ी में, ये देखिए, मैंने अपने ज़रूरत के हिसाब से पानी डाल दिया है। आपको ग्रेवी जितनी थिकनेस चाहिए होंगे आप उतना पानी डालिएगा, मैं अपने ज़रूरत के हिसाब से पानी डाल दिया यहाँ पे, ये देखिए इस तरीके से, और मसालों को अच्छे से मिक्स कर लिया पानी में। दोस्तों, यहाँ पे मैंने ढक दिया पानी डाल के, और मैं उसको एक बॉयल आने तक वेट करूँगी। दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे एक बॉयल आ चुका है टमाटर के झोर में, तो मैं इसको अच्छे से चला देती हूँ, ये देखिए। सर्दियों में खट्टे टमाटर के झोर बहुत अच्छे लगते हैं दोस्तों, हमारे यहाँ इसको लपसी के साथ खाया जाता है, मड़ुए के आटे से बनाया जाता है वो। और ये देखिए, मैंने बनाए हैं, ये बहुत अच्छा बन के तैयार हुआ है, ये देखिए। दोस्तों, यहाँ पे मैं फिर से थोड़ा देर के लिए ढक दूँगी, और ये देखिए कितना अच्छा बॉयल हो गया है, ये सब्जी बन के तैयार हो चुका है, ये देखिए इस तरीके से। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए राधे कृष्णा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।